हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। फाइनली फ्रेंड, जितने भी आईटीआई लेवल पे जो वैकेंसी आ रही है, जैसे कि अभी आपका फ़िलहाल में डीआरडीओ ने वैकेंसी रिलीज कर दी है, और जो भी पीएसयू कंपनी है जैसे बार्क हो गया या आपको इसरो हो गया, तो सभी जगह एग्ज़ाम में देख रहे होंगे कि आपका लास्ट स्टेज में आपका एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। तो इसी के बारे में मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि स्किल टेस्ट किसके कहते हैं या ट्रेड टेस्ट किसे कहते हैं, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या होता है स्किल टेस्ट में, या बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि स्किल टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो मैं बता दूँ कि स्किल टेस्ट को दूसरा नाम में जाना जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट आपको के नाम से जाना जाता है। जितना भी पीएसयू कंपनी है, जब आप लास्ट स्टेज में जाइएगा तो वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होना ही होना है। तो मैं आपको स्किल टेस्ट में बता दूँ कि मैंने NPCL तारापुर और अभी तुरंत ही बार्क का मैंने स्किल टेस्ट देकर आया है, तो मैं उसी के नॉलेज के आधार पर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में आपका लास्ट स्टेज में जब स्किल टेस्ट होगा तो उसमें आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा। एक्चुअली में थ्योरी पार्ट अलग होता है, प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। तो थ्योरी पार्ट तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जब होगा तो उस समय में आपको जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो उसमें आपको प्रैक्टिकल करने के लिए समय दिया जाएगा और कुछ लिखने के लिए समय दिया जाएगा। मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में आपका मैक्सिमम 2 या 3 प्रैक्टिकल मिलने का उम्मीद रहता है प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट में। तो मान लेते हैं कि मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर या DOL स्टार्टर मिला है, तो उस स्थिति में क्या है कि जैसे कि 2 प्रैक्टिकल मैंने मिला है अभी एग्जांपल के तौर पर, तो उस स्थिति में मैं क्या करूँगा कि पहले आपको आधा घंटा या 45 मिनट में आपको समय मिलेगा उस दोनों प्रैक्टिकल के बारे में आपको लिखने होंगे। जैसे भी कि ITI प्रैक्टिकल में हम लोग जिस तरह के जॉब शीट बनाते हैं उस तरह हमको बनाना होगा, तो वो आधे घंटे या 45 मिनट में आपका दोनों प्रैक्टिकल का लिखना होगा विथ सर्किट डायग्राम के थ्रू। आपको उसमें सारा चीज़ लिखना होगा, एम्स लिखना होगा, सेफ्टी प्रिकॉशन लिखना होगा, वर्किंग प्रोसीजर लिखना होगा, यानी उसमें सारा चीज़ डिटेल्स रहेगा विद द सर्किट डायग्राम। तो ये आधे घंटे में आपका ये चीज़ आपका लिखा जाएगा। उसके बाद आपका मैंने बोला कि 3 से 4 घंटे आपको समय प्रैक्टिकल करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे। तो ये आपका आधा घंटा 45 मिनट निकल जाएगा, तो लिख लेके उसके बाद जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्कशॉप में जाना पड़ेगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल का स्टोर रूम है, वहाँ पे आपको जाना होगा। तो वहाँ पे आपको जाने के बाद प्रैक्टिकल का जो भी इक्विपमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा। उस समय आपको प्रैक्टिकल करना रहता है, तो उस समय आपका साथ में जो ट्रेनर रहेगा जो एग्ज़ाम आपका ले रहा है स्किल टेस्ट, वो साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है। जैसे कि DOL स्टार्टर जब का प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल के तौर पर आया है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी तो नॉलेज होना ही चाहिए। बाय द वे कि प्रैक्टिकल टेस्ट में जब जाइएगा तो उस समय आपका भाई भाई भी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो वो चीज़ भी आपको नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि स्किल टेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में स्किल टेस्ट आपका 2 से 3 से 4 घंटे का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो मैंने बताया कि पहले आपको आधे से 45 मिनट में जितने भी 2 या 3 प्रैक्टिकल आते हैं उसको आपको लिखना पड़ता है विथ द हेल्प ऑफ, उसके साथ में आपको सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ता है, उसका एम, वर्किंग प्रोसीजर, वो सब चीज़ लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको आधे घंटे के बाद जमा करने के बाद आपको जाके फिर वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो ये रहा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्किल टेस्ट के बारे में, या ट्रेड टेस्ट के बारे में, या प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। तो हर एक एग्ज़ाम में ये टेस्ट लागू कर दिया जा चुका है फ्रेंड्स, अभी तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे लागू कर जा चुका है। जैसे PSU कंपनी हुआ, DRDO या इसरो या बार्क में हो गया, या NPCL में, या हर जगह यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ ITI से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।